हेलो, कैन यू हियर मी? इको हो रहा है वॉइस यहाँ पे. पूरा टनल एकदम सीधा है और यहाँ बगल में भी है एक. OMG. हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल. तो गाइस, अभी सुबह का करीबन 7 बज रहा है और बिहार में ठंड काफ़ी है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है, इसीलिए मैं पूरा आपको पैक्ड दिख रहा हूँ. लेकिन आज मतलब कल रात में मेरे एक लोकल में भैया रहते हैं, वो कल रात में बोले अली चलो क्यों ना कहीं घूम के आते हैं. तो हम भी बोले ठीक है भैया चलिए. फिर आज सुबह का हम लोग का प्लान बनाए और भैया बस वेट कर ही रहे हैं. तो अभी उनके पास जाएंगे और देखते वो हम लोग को कहाँ लेके चलते हैं. चलिए भैया, हम लोग जा रहे हैं कोई पोकर साइड, मतलब जहाँ पे खेत क्या भैया पोगर साइड, मतलब जहाँ पे प्रॉपर अगर खेती के लिए पानी नहीं पहुँचता है तो पाइप के थ्रू वहाँ पे काफ़ी सारा पानी स्टॉक करके उस जगह को बोला जाता है पोगर. और मैं तो वहाँ फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ और आप लोग को भी दिखाऊँगा कि कैसा है कैसा नहीं. तब तक के लिए आप एक सिनेमैटिक सीन एंजॉय करें. हेलो जी, तो मैं जिस जगह के बारे में बात कर रहा था ये वही जगह. ये मतलब वहाँ से पानी आता है और यहाँ पे स्टॉक हो जाता है. और ये होल पूरा होल आप जो देख रहे हैं ना, पूरा सीधा टनल, ये होल बना हुआ. जब भी मतलब ये फार्मिंग करने में पानी वगैरह का अगर कमी होता है तो यहाँ से जो पानी स्टॉक होता है वो पानी को उन लोग यूज़ करके फार्मिंग कर लेते हैं. लेकिन अभी फ़िलहाल सूखा हुआ है. नीचे उतर के वहाँ पे आप लोग को ये होल, ये जो नीचे होल है, इसके नीचे होल है, ये मैं होल आप लोग को दिखाता हूँ. आइए चलिए दिखाते हैं. देखिए इस नॉर्मली मैं आपको अभी होल दिखा रहा हूँ, आप बस देखना कितना स्ट्रेट होल है और कितना अंदर तक होल है. आइए गाइस जस्ट लुक एट दिस, मतलब पूरा टनल एकदम सीधा है और यहाँ बगल में भी है एक. OMG. यहाँ पे तो मुझे घोस्ट मूवी का तरह लग रहा है. हेलो, कैन यू हियर मी? इको हो रहा है वॉइस यहाँ पे. हेलो, कैन यू हियर मी? अभी बारिश का मौसम नहीं है इसी वजह से सूखा हुआ है. लेकिन जब बारिश के मौसम पे यहाँ पे जो आपको होल दिख रहा है, यहाँ पे पानी पूरा स्टॉक हो जाता है. ये वाला ये पुल बना हुआ अंकल, ये कितना साल पुराना होगा? बहुत होगा, हम लोग के तो कम से कम याद नहीं है. मतलब ब्रिटिश के टाइम का? ना ना, 50-60 साल. हाँ, इतना से कम तो नहीं होता होगा. मतलब सोचिएगा इस 50-60 साल पुराना इसको, इसका नाम क्या है, पर्टिकुलर जगह का नाम क्या है? ऐसे तो इधावा नदी इस पुल का ऐसे मतलब है. घावा नदी? हाँ, इधावा नदी में ये जो पुल बना हुआ है ना, हाँ हाँ, इसका नीचे इधावा नदी है. अच्छा, धावा नदी जो रफी है, जो रफीगंज से आई है ना, वही नदी है ये. तो ये पानी को जमा कर लिया जाता है यहाँ पे? नहीं, तो ये नहर से आता है ना. हाँ, तो ये पुल मतलब ये सप्लाई करता है आगे, तो आगे मतलब जहाँ पे जरूरत पड़ा वहाँ से वो आजाद गई है नहर ना. अच्छा, पूरा दूर तक? हाँ, दूर का टेकारी तक गई है. अच्छा, तो ये पानी टेकारी तक जाती है इधर से, जहाँ से जरूरत जिसको पड़ा वहाँ से अपना खेत में. हाँ, तो यहाँ नहीं, वो तो जहाँ तहाँ नल दिया हुआ है इसमें. अच्छा, वो आपका नल से पानी निकासी होता है.
मतलब पानी स्टॉक करके जब भी फ्यूचर में अगर आपको कभी भी ज़रूरत हुआ तो यहाँ से ईज़िली स्टॉक वाला पानी को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप भी ब्लॉगिंग का शौक रखते हैं तो ये एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपका हर एक दूसरा वीडियो पहला वीडियो से बेटर होना चाहिए। एडिटिंग में हो गया, कम्युनिकेशन में हो गया, सिनेमैटिक्स में हो गया, तो आप ज़रूर ग्रो करिएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है।